असलान रफीक भट्टी, असद खट्टर ये कहते थे कि वो मिले वीना मलिक से और 10 दिन में उन्होंने शादी कर ली वीना मलिक से। 3 साल हो गए, 2013 में इन्होंने शादी की थी। क्या हुआ ऐसा कि मामला यहाँ तक पहुँचा? जी मालूम, अभी जो इनको आपस की जो लड़ाइयां हैं या आपस के जो मसले हैं वो तो बात की बात है, लेकिन ये इन्होंने केस दायर किया था यहाँ पर फैमिली कोर्ट लाहौर में 6 जनवरी 2017 को, और उसका जो डिसीजन आया है 31 जनवरी 2017 को आया है। उसमें जो केस था वो था जी कि मैरिज यानी शादी का खात्मा या शादी को खत्म करने का मकसद था, और उसमें ये बड़ा क्लियरली वाजिया लिखा हुआ है जज साहब की तरफ से कि ये वीना मलिक साहिबा की तरफ से यानी जायदा मलिक जो है डॉटर ऑफ मोहम्मद असम रेजिडेंट हाउस नंबर 790Z DHA लाहौर वर्सेस असद बशीर सन ऑफ बशीर अहमद डिस्ट्रिक्ट कोहाट, इनका ये इनके खिलाफ केस था। इसका फैमिली सूट नंबर जो है 49FC 2016 है। अब इसमें ये उन्होंने कहा जी कि ये 25% जो फंड है जहेज है वो सरेंडर करेंगी अपने हस्बैंड के हक में, और हस्बैंड जो है वो यानी वो बनता है 2500 दिरहम का 25%, और जो हस्बैंड है यानी असद खटक जो है वो 5 लाख दिरहम जो है वो इनको देंगे इस पे खुला के सूरत में, और खुला जो है वो एक्स पार्टी डिसीजन करके प्लेंटिफ के यानी हक में यानी वीना मलिक के हक में दे दिया गया है, और ये 31/1/2017 का डिसीजन है। जज फैमिली कोर्ट जो है मोहम्मद कैसर जमील गुजर, इन्होंने ये डिसीजन जारी किया था इसका, और ये बिल्कुल जो है रूल 16 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल 1965 जो है इसके तहत जो है ये डिग्री जारी की गई है। हमारे साथ ही रहेगा, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है अली।